साथ में केस म्यूजिक रिकॉर्डिंग वीडियो सेंटर फिरोजाबाद भाई संजय, आज उनकी अनुपस्थिति में उनके बेटे हाजिर हैं यहाँ पर और भाई संजय बाहर गए हुए हैं। मेरे बड़े सौभाग्य की बात है एक गीत का माध्यम से आप लोगों से परिचय कराने का मौका मिला है। तहे दिल से सभी श्रोतागणों का और दोनों पार्टियों का भाई संजय का आभार व्यक्त करते हुए बहुत ही संक्षेप में, एक समय की बात है इस बात से सभी परिचित हैं, मेरे इस गीत से किसी भी पार्टी के लिए कोई बात नहीं है, सिर्फ एक जनता के लिए जैसा कि आदेश हुआ है हमारे निर्णायक समिति से, तो उसका पालन करते हुए अपनी बात को रखता हूं मैं कि जब सीता को वनवास दिया गया तो इस बात से परिचित बहुत कम लोग हैं, सिर्फ इस बात को जानते हैं कि धोबी जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति और अपनी पत्नी के लिए कहता है कि मैं राम नहीं हूं जो 6 महीने सीता लंका में रह कर के आई और फिर भी उसे घर में रख लिया, क्योंकि उसकी पत्नी अग्नि लेने गई और बारिश की वजह से वो समय पर वापस नहीं आ सकी। लेकिन इसके पीछे हमारे लेखों में प्रमाण मिलता है, कहा है कि कर्म जैसे तू करेगा फल भी वैसे पाएगा, कि कर्म जैसे तू करेगा फल भी वैसे पाएगा, कर्म के बंधन से बंधे भगवान तो बच नहीं पाया, तू क्या बच पाएगा। जय हो। तो देखिए सीता को वनवास क्यों हुआ, क्योंकि सीता ने कोई गलती की, कोई कर्म ऐसा किया जिसका परिणाम सीता को भुगतना पड़ा। क्या बात है, ऐसे श्री बाल को भी बाल्यावस्था में सीता अपनी सहेलियों के साथ एक बगीचे में खेलने गई, घटना उस समय की है। जय हो। भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि गर्भवती सीता सती, कि गर्भवती सीता सती और कैसा विधि का विधान, और नाजुक इस हालात का करते हैं हम बयान। तो कहा राम ने कि दिया सीता को वनवास, किसी ने कहा कि क्या खूब लगती हो। जय हो। संक्षेप में इशारा करता हूँ तो इधर राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, क्या समझ गए गुरु सब समझ गए, कि दिया सीता को वनवास और ये कैसे हो विश्वास, और धोबी के अपवाद वचन प्रभु मन नहीं भाए हैं, और सीता को बन छोड़ो लक्ष्मण वचन सुनाए हैं, दिया सीता को बनवास ये कैसे हो विश्वास, दिया सीता को बनवास ये कैसे हो विश्वास, दिया सीता को बनवास सखियन संग खेलन आई हाँ आई
सुख जोड़ा ने सुंदर बात बताई जब सीता खेलने आई तो उसी वृक्ष पर जहाँ एक तोता और तोती का जोड़ा बैठा हुआ है आपस में बात कर रहे हैं और सीता उस बात को सुनने लगी। तोता तोती आपस में कहते हैं जनक की लाडली जनक सुता सीता होगी, इधर दशरथ के पुत्र राम होंगे, दोनों की शादी होगी और इतना सुंदर जोड़ा होगा जिसकी शोभा का वर्णन ही नहीं होगा। सीता को विश्वास नहीं हुआ, अपनी सहेलियों को आदेश और इशारा संकेत किया और उस तोता और तोती के जोड़े को पकड़वा लिया। सिया राम की ये प्रभुताई प्रभुताई उन पक्षिन को पक्षिन को धोखे से लिया पकड़ाई पकड़ाए सुंदर बातों से सुंदर बातों से मन में आनंद समाए हैं लक्ष्मण वचन सुनाए हो कहने लगी सीता क्या कह रही है गुरु श्री राम मिले मुझे आकर वो आकर श्री राम मिले वो आकर छोड़ूंगी मैं तब तुमको कहीं जाकर वो कहीं जाकर कहीं जाकर कहीं जाकर विनती करने लगे तोता और तोती हम पक्षी रहे पेड़ों पर बच्चा पैदा करके रहूं तेरे घर तेरे घर तेरे घर तेरे घर। तोती कहने लगी सीता से निवेदन करने लगी कि जब मैं अपने बच्चे को जन्म दे दूंगी तो स्वयं तेरे पास आ जाऊंगी, लेकिन कोई भी बात सीता ने न सुनी न स्वीकार की। तब कहा बिनती सुनी नहीं उनकी गम के बादल छाए हैं कोपन छोड़ो लक्ष्मण वचन सुनाए हैं सीता को वनवास ये कैसे हो विश्वास सीता को वनवास ये कैसे हो तब कहा तोती कहने लगी मुझे पति से अलग किया है वो किया है श्राप दिया है वो तोती ने मेरे सीता को श्राप दिया है तोती ने मेरे सीता को श्राप दिया जब तोती तोते से अलग कर दी गई तब तोती कहने लगी कि सीता जब तू गर्भवती होगी और अपने पति से वियोग करेगी
तुझे भी अलग रहना पड़ेगा, इस हालात का दर्द तुझे उस समय मालूम होगा। ये ऐसा तोती ने सीता को श्राप दे दिया। फिर राम का नाम लिया है, वो लिया है, वो लिया है, तेरी राम का नाम लिया है। तुम मेरे बिन जीवित रहे न पिया है, सुनाए हैं दिया वो दिया सीता को बनवास, ये कहते हो बेटा सीता को बनवास, ये कहते हो बेटा सीता को बनवास, ये कहते हो बेटा। जब तोती ने अपना शरीर त्याग दिया ऐसा कहकर सीता को श्राप दे दिया और शरीर त्याग दिया, अब तोते ने देखा कि मेरी तोती मर गई। तोता कहने लगा सीता से कि जब कोई शक्तिशाली हो तो उसके विषय में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उचित बात भी अपने बंधन का कारण हो जाती है। कहा मन कहे ये तोता वो तोता, बंधन क्या बात है बंधन, बंधन बंधन कारण शब्दों का होता 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 होता। तोती के गम में रोता वो रोता, राजू दादा क्यों अपना जीवन खोता है, राजू दादा जीवन खोता, राजू दादा क्यों अपना जीवन खोता, राजू दादा क्यों अपना जीवन खोता। तोता कहने लगा ऐसी थे अवध पुरी में मैं स्वयं तोता एक धोबी के घर में जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुझे पति से वियोग करना पड़ेगा। ऐसा श्राप तोते ने दे दिया और राम नाम का उच्चारण करके तोते ने भी शरीर त्याग दिया। धोबी जाति से अवध नगर में जन्म ले आए हैं, सीता को बन छोड़ो लक्ष्मण वचन सुनाए हैं, या सीता को बनवा ये कहते हो ही। संक्षेप में महामंत्र श्री राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई नूतन भाई।
भाई पेंटर जी संगति निभाने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। बोलिए सच्चे दरबार की।